हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेमसेट टैग की मदद से आपको कुछ ऐसा पेज बनाना है जिस इमेज पे आप क्लिक करेंगे उसके बारे में डिटेल आ जाए। देखिए, सिंपली मैं यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिक्स आपको सब कुछ पता है कि हमने हेड टैग लिया, बॉडी टैग लिया, तो मैं इसका नाम देता हूँ डिवीज़न फ्रेम टैग डॉट HTML, क्लियर। देन यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर देखिए, आपको ऑलरेडी सब मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले जिस मैंने वीडियो अपलोड किया है, अगर फ्रेमसेट का आपने नहीं दिखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने आप फ्रेमसेट को कॉल कर लिया है, ठीक है, डन। देन उसके बाद अब हमें यहाँ पर डिफाइन करना है कॉलम, तो मैं यहाँ पर कॉलम की हाइट दे देता हूँ, कॉलम यानी 25% कॉमा 75%, यानी दो हमने बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर दो इनपुट चाहिए तो इसलिए हम फ्रेम सेट का यूज़ करेंगे, देन फ्रेम SRC, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है SRC कोड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे SRC में हम वो सोर्स कोड देंगे जो कि हमें यहाँ पे लिंक करना होगा, क्लियर हो गया। देन फाइनली एक और हमें दो चाहिए तो इसलिए हमने दूसरा SRC ले लिया, इसको क्लोज़ कर दिया। सिंपली इसको क्लोज़ करने के बाद जब हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे, देखिए नेम एट्रीब्यूट लगाने का काम क्या होता है, वो फंक्शन बार बार देखिए, जैसे कि अभी ये जो FRC लिखा हुआ है इसका नेम फंक्शन हमने क्या कर दिया, राइट, ठीक। और जो यहाँ पे FRC है, हमारे पास एक पेज हमने बना रखा बाय डिफ़ॉल्ट left.html और एक हम पेज बनाएंगे right.html, ठीक है। यानी दो पेज हम बना के यहाँ पे आपस में लिंक करेंगे, पहला पेज हमारे पास left.html, सेकंड वन इज़ right.html। तो यहाँ पे नेम से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ताकि हमारा ब्राउज़र समझ जाए कि ये पेज लेफ़्ट में मूव करना है या फिर राइट में, ठीक है। तो बेसिकली अभी करते क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली चलो इस हमें यहाँ पर एक नई फाइल हमने ले लेती है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक नई फाइल ले ली है, तो ये हम एक बना लेंगे left.html के नाम से एक सिंपल सा पेज। तो चलो इसको हम सेव कर लेते हैं left.html, ठीक है, ओके फाइन, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा कोड है, ठीक। उसके बाद ये, हाँ एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जब भी आप ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तो ये मोस्टली ये क्वेश्चन 100% हर बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पेपर में ये आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नाम देता हूँ leader1। leader1 स्टैंड्स फॉर कि जैसे कई बार क्या कहते हैं कि एक ऐसा पेज बनाइए जहाँ पे लीडर्स को लिखिए, मतलब लीडर्स इन द सेंस, सपोज़ किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो उनकी इमेज पे क्लिक करोगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन राइट साइड में शो करे। तो मैं यहाँ पे लीडर दे देता हूँ, बट मैं यहाँ पे लीडर की जगह चलो मैं यहाँ पे एक प्लेस ले लेता हूँ, लाइक एज ताजमहल वगैरह हो गया। तो मैंने कुछ 4-5 इमेजेस डाउनलोड करके पहले से रखी है, ठीक। तो यहाँ पे इमेज का नाम है लिंक कर दिया है L1.html से, टारगेट कर दिया है इमेज हमारी वो राइट साइड में, ठीक। तो यहाँ पे इमेज का नाम ले देते हैं, इमेज को इंसर्ट कर लेंगे, इमेज SRC इजल टू taj.jpg, हाइट और विथ यहाँ पे फिक्स कर देते हैं 150 पिक्सल एंड विथ इजल टू 150 पिक्सल, सेम कर दिया, ठीक है। और इसको कर देते हैं सेव, ठीक। अब यहाँ पे हमने लगाया एक BR टैग क्यों लगाया, बिकॉज़ ये सारी इमेजेस हम चाहते हैं एक साथ आ जाएं, क्लियर हो रहा है आपको, मेरी बात समझ आ रही। यानी मैं 4-5 इमेज यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, चलो मैंने यहाँ पे 3-4 इमेज इंसर्ट कर ली, leader2 leader3 कुछ भी नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने 4 इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे leader4 दे दिया। अब देखिए जो टारगेट राइट है, मतलब ये जो आउटपुट है ये हमारा राइट साइड ओपन होगा। अभी जो L1.html था, यहाँ पे देखिए 4 इमेजेस दिख रही हैं आपको, है ना, लेफ्ट मुंबई, इन सब का नाम दे देते हैं, जैसे कि चाइना, ताज, मुंबई, ठीक है, जो हमारी इमेजेस हैं। सेम कोड को मैंने कॉपी कर लिया lotus.jpg, उसको कर लिया हमने सेव, ठीक। तो डिवीज़न टैग और लेफ्ट टैग आपको पता है कि मैंने कुछ नहीं बनाया, डिवीज़न टैग को हमने जब ओपन करेंगे, तो देखिए डिवीज़न टैग हमने ओपन किया तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि दो डिवीज़न हमने बनाए थे, ठीक, एक 25% का और एक 75% का। तो 25 के अंदर इमेज आ गई, यहाँ पे देखिए एक इमेज नहीं शो हो रही है। ये प्रॉब्लम कब आती है, जब आप इमेज का नाम गलत लिखते हैं, या डेस्टिनेशन गलत होता है, या फिर जो उसका एक्सटेंशन टाइप होता है वो गलत होता है, तब ऐसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो चलो इसको हम सही कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। इमेज नंबर ये leader3rd पे है ना, तो यहाँ पर देखते हैं china.jpg, तो आई थिंक ये PNG इमेज है, तो इसको एक बार हम कर लेते हैं PNG, ठीक है, क्योंकि leader3 में प्रॉब्लम आ रही है चाइना, ठीक, देखते हैं CHI, यानी एक बार प्रॉपर्टी हम चेक कर लेते हैं।
प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, .jff, यानी एक्सटेंशन ही डिफरेंट है। तो चलो मैं एक्सटेंशन को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जो हमारा एक्सटेंशन है यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया, यानी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस कर लेते हैं इसको सेव। सेव करने के बाद हम रिफ़्रेश करेंगे, देखिए चारों इमेज तो आ गई हैं, बट हमारी कंडीशन क्या थी, अगर हम किसी इमेज पे क्लिक करेंगे, जिस भी इमेज पे क्लिक करेंगे उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास राइट साइड में शो करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या वहाँ पे, वो देख लेते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम गूगल से लेने वाले हैं। हमने यहाँ पे एक नया पेज ओपन किया, एक नया पेज ले लेते हैं HTML, देन HTML टैग को क्लोज़ कर दिया, यानी ओपन टैग एंड क्लोज टैग, इसको सेव कर लेंगे एक नए पेज के नाम से, ठीक है। हमने इसको दे दिया l1.html, ठीक, ऑलरेडी l1 ऐसे हमने रैंडमली नाम दे दिया l1, ठीक है। हेड बना दिया, हेड का हमने टाइटल दे दिया, ठीक। टाइटल के बाद हम यहाँ पे आते हैं बॉडी, तो बॉडी टैग के अंदर हमें देखिए h1 तो कोई मतलब नहीं, आपका तो हेडिंग टैग है उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग ले लिया हमने, ठीक है। तो h1 टैग के अंदर बेसिकली हम देते हैं डिवीज़न टैग या फिर कुछ भी हम जो शो कराना चाहे वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक। पहला देखिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं मुंबई गेट, ठीक है। तो मुंबई गेट को मैंने यहाँ पे कॉल किया गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए आपको दिख रहा है। तो ये विकीपीडिया का मैं जो कंटेंट है इसको मैं फटाक से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे इस पेज को, इस कंटेंट को मैंने कॉपी कर लिया, और देन यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग आपको दिख रहा है मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है l1.html, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है l1.html के नाम से है, और यहाँ पे h1 के अंदर दे दिया गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक। इस पेज को हमने कर दिया सेव। अब हम अगला पेज लेते हैं, यहाँ पे देखिए अभी कोई काम नहीं कर रहा प्रॉपर हमारा लिंक, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं सेव एज, इसका नाम दे दिया है l2.html, ठीक है। एक हमने नया नाम दे दिया l2.html, ठीक। ऐसे ही करके हम सारे पेज बना लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट अगला पेज बना लेते हैं। जो हमारा अगला पेज है, यानी देखिए L1 हो गया हमारे पास, L2 हो गया, आप दोनों पेज देख सकते हो ना। तो L2 पेज के अंदर हमें सेम प्रोसीजर हमने कॉपी कर लिया, सिर्फ इसके टैग के अंदर का जो कंटेंट है वो हमें हटाना है ना। तो मैं इसको चलो चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे हेड टैग बनाया, हेड टैग तो वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, कोई नहीं। हमने यहाँ पे फटाफट हमने बनाया बॉडी टैग बनाया, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर हमने वापस से H1 टैग लिया, देन H1 को क्लोज़ किया, पी ग्राफ, यानी पी का मतलब होता है पैराग्राफ टैग, ठीक। पैराग्राफ इस कंटेंट को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं अभी, ठीक। अभी हमने क्या किया, एक नई फाइल ले ली, सेम कंटेंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट, क्योंकि हमारे पास चार थे। अगला मैंने दे दिया ताजमहल, ठीक है, H1 के अंदर, देन यहाँ पे गूगल पे आया, गूगल पे हमने सर्च किया ताजमहल, ठीक। देखिए विकीपीडिया सबने निकाल लिया ताजमहल के बारे में, ठीक है। ये कंटेंट हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ, आपके सामने कन्फ्यूजन बहुत सारी होंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तभी आपको प्रॉब्लम आपकी सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी, बस प्रॉपर ढंग से कोड को समझते रहिए। अगला मैं यहाँ पे ले लेता हूँ l3.html, ठीक है। l2 हमारा ऑलरेडी बन चुका है, l3 में आ गए, यहाँ पे देते हैं चाइना गेट या फिर चाइना वॉल, ठीक है। तो चाइना वॉल की भी यहाँ पे हम डिटेल निकाल लेते हैं, चाइना वॉल, ये जस्ट अ मिनट, चाइना वॉल, ठीक है। ये देखिए चाइना वॉल की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, हमने इस डेटा को, इस कंटेंट को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पैराग्राफ टैग के अंदर हम सिंपली पेस्ट कर देंगे। इस पेज को भी हमने कर लिया सिंपल सा सेव, क्लियर हो गया। तो अभी आपकी कन्फ्यूजन मैं सारी की सारी दूर कर दूंगा, बस एक मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो कोड को पूरा देखिए ढंग से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेव कर लिया। अब सेव एज इसको दे देते हैं l4.html, ठीक है। तो l4 के नाम से, अब l4 हमें क्या रखना है, हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे लोटस है ना, तो चलो लोटस वाला है, लोटस, तो इसको भी हम ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं लोटस टेम्पल, ठीक। विकिपीडिया से इसका भी डेटा हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। एक नया पेज बनाया, h1 के अंदर दे दिया लोटस टेम्पल, यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक, लोटस टेम्पल, ठीक, इसको कर लिया हमने सेव। अब देखिए हम आ जाते हैं अपने मेन पेज वाले पे। यदि हमें L1, L4, L3 हो गया ना, ये हमारा डिवीज़न फ्रेम टैग था। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जो फ्रेम SRC हमने यूज़ किया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर देता हूँ, ये ताजमहल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मैं लीडर, यहाँ पे इमेज नंबर 3 पे मैं क्लिक करूँगा गेटवे ऑफ इंडिया पे,
तो देखिए ताजमहल है ना, ये सारे के सारे हमारे पास पेज तो हैं बहुत सारे, बट इन पेजों को आपस में हम लिंक करेंगे। कहने का मतलब है हम जिस पेज पे जिस इमेज पे क्लिक करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन राइट साइड में शो होने लग जाएगी। ये कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। चारों इन्फॉर्मेशन को हमने अलग अलग बना लिया है, चारों इमेज को हमने एक SRC के अंदर यानी फ्रेम सेट के अंदर इंसर्ट कर लिया है। बचा हमारे पास दूसरा फ्रेम सेट, तो उसके अंदर कैसे इन जो बचे हुए पेज हैं L1 L2 L3 इनको कैसे ऐड करेंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जब अपना लेफ्ट पेज ऑन कर लिया, लेफ्ट यानी इनका नाम दे देते हैं L1.html, L2.html, L3 यानी जो लिंक हमने लगाया है इमेज के ऊपर। जब हम अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, अब हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए चाइना वॉल पर क्लिक किया, लोटस टेम्पल पर क्लिक किया, यानी जिस भी इमेज पे आप क्लिक करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपको राइट साइड में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि एंकर टैग आपने लगाया है उस HTML पेज पे, टारगेट क्या किया है राइट साइड, ठीक है। और ये लिंक एंकर टैग काम किस पे कर रहा है, आपकी इमेज पे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर हाँ, अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है तो आप 100% आप कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन 24 आवर के अंदर ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो, आपकी प्रॉब्लम शेयर किया करो, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाऊँ, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास पहले पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।